ऐसे ही हिंदी कॉमेडी वीडियोस के लिए अभी मूवी का मजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। फॉर मोर सच हिंदी कॉमेडी वीडियोस सब्सक्राइब टू द मूवी का मजा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू नॉट मिस एनी वीडियोस। थैंक यू। अच्छा सर, देश के अंदर ना आजकल फैशन चल पड़ा है फिट होने का, और सर ये फिट होने का ऐसा ट्रेंड आया हमारे हरियाणा में भी औरतों ने भागना शुरू किया, चार पांच वापिस ही नहीं आई। वो बेचारियों को घूंघट में पता ही नहीं चला किसके साथ भाग गई। मतलब सर आपने दुनिया में सबकी डाइटिंग देखी होगी, सबसे खतरनाक डाइटिंग करते हैं हरियाणा वाले। आपको मेरा उताऊ याद है जिसको मुआवजे मोटा पैसा मिला था? उसने सर अपनी खुद की जिम बना ली घर में। अब मैं उसके घर गया सर, वो एक जो ट्रेडमिल होती है जिसके ऊपर इंसान भागता है, उसके ऊपर बकरा भाग रहा था। मैं कहता हूँ यो क्या है? कहता बेटा कुछ नहीं, डॉक्टर बोला कि मटन में ना फैट बहुत होता है, वही कम कर रहा हूँ। सुपर सुपर। साथ सर ऐसा ही होता है जब कोई बोले आदमी को सलाह दे। मैंने परविंदर पाजी को बोला, मैंने कहा आप हर साल जिम के पैसे देते हो, पाजी जाते क्यों नहीं हो? कहते तेरे पापा भी तो हर साल इंश्योरेंस के पैसे देते। मैंने पूछा अच्छा सर आपने नोटिस किया है हम सबके पड़ोस में ना एक अंकल होते हैं जो फिट होते हैं, वो हर आते जाते को रोक के एक ही बात बोलते हैं, भाई तुझे पता है मेरी उम्र कितनी है? 70 साल। मैं रोज 5 किलोमीटर भागता हूं। मैंने कहा अंकल किससे? और मैं इनका अंकल मौत से तो वैसे भी कोई नहीं भाग पाया, आप कहां तक भागेंगे? अरे यार सर फिटनेस का इतना ट्रेंड देख के ना मैंने भी डिसाइड किया, मैंने मुंबई आते ही सबसे पहले ज्वाइन की जिम। तो सर जिम जाते ही मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई इस आदमी से। भाई साहब खड़े हो ना, देखना सर, देखने की चीज है सर। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप भी जिम ज्वाइन कर रहे हो? कहता ज्वाइन मैं 15 साल से जिम आ रहा हूं। मैंने कहा भाई साहब फिर तो आप जिम नहीं हॉस्पिटल ज्वाइन करो। सर ये पक्का कैलरी का नहीं डिलीवरी का केस है। देखो सर आप लोगों के लिए इंसान होगा, मेरे लिए चार पंच हैं। अच्छा सर जिम का सबसे क्यूट कैरेक्टर होते हैं वो वाली आंटियां जो सलवार कुर्ता पहन के आती हैं। हाँ। ये एक्सरसाइज नहीं करती है, करती है एरोबिक्स। चिट्ठियां कलाइयां बे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां बे। मैंने कहा आंटी कलाइयां छोड़ के पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। सर इसके बाद जिम में एंट्री होती है लेडीज ट्रेनर की। सर ये भी एक्सरसाइज नहीं करती, ये करती है योगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस अंदर सांस बाहर। मतलब सर उसको देख के मुझे लगा कि जिंदगी में ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल सिर्फ उसी ने किया है। अच्छा एंड करने से पहले अक्षय सर की तरफ से एक सुविचार है सबके लिए, अर्ज करना चाहूंगा कि जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त मत हो जाना। परविंदर पाजी आप गौर फरमाएं कि जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त मत हो जाना, कहीं आप पीछे रह जाओ, पेट आगे ही निकल जाए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।